पॉलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास वालों के लिए। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल को जानने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म के बारे में जानेंगे। कांस्टेंट, वेरिएबल और साइन, ये होता क्या है? तो कांस्टेंट का मतलब हुआ जिसका वैल्यू फिक्स हुआ, कांस्टेंट का मतलब हुआ जिसका वैल्यू फिक्स हुआ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या हुआ? कांस्टेंट। अगर हम वेरिएबल का बात करें तो ए बी सी कहाँ तक? जेड तक। और साइन की बात करें तो प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस फोर। तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पोलिनोमियल है। क्या है ये? पोलिनोमियल। उसी तरह से हम ये एग्जाम्पल लिए हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस फोर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस में टू इंटू एक्स इंटू एक्स, तो क्या हो गया? टू एक्स क्यूब प्लस में फोर एक्स और प्लस में फोर। तो ये पोलिनोमियल है। क्या है? ये पोलिनोमियल है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो वाई इंटू वाई प्लस फोर इंटू वाई और प्लस फोर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस में फोर वाई और प्लस फोर। तो ये भी पोलिनोमियल है। क्या है? ये पोलिनोमियल है। अब हम समझेंगे कि पोलिनोमियल कब होगा और कब नहीं। तो पोलिनोमियल का कुछ कंडीशन है, तो उस कंडीशन के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर पहला एग्जाम्पल, ठीक है। टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर। तीसरा एग्जाम्पल, टू डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फोर। चौथा एग्जाम्पल, टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में रूट वाई प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से टू डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस में वाई प्लस टू। छठा एग्जाम्पल, रूट वाई प्लस सिक्स। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पॉलिनोमियल कब होगा और कब नहीं होगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं, हम इसको समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इस टर्म में पावर कितना है? टू। इसका पावर एक्स पे पावर वन, इसका एक्स पे पावर जीरो। तो इसका पावर जो है क्या है? पॉजिटिव है और इंटीजर है। क्या है ये? इसका पावर जो है पॉजिटिव है और इंटीजर है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है? ये पॉलिनोमियल होगा। यानी कि यहाँ पे कंक्लूजन क्या आया कि पावर पॉजिटिव और इंटीजर होगा, तब जाकर के ये पॉलिनोमियल होगा। उसी तरह से यहाँ पे हम एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लिए हैं, तो इसको जरा सोल्व कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर नीचे है तो इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा? टू इंटू एक्स पे पावर माइनस टू प्लस फोर एक्स प्लस फोर। देखिए, यहाँ पे इसका पावर क्या आ गया? पावर जो है निगेटिव है, माइनस टू क्या है? निगेटिव इंटीजर है। इसका पावर क्या है? निगेटिव इंटीजर, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें तो टू डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स, ये नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टू इंटू एक्स पे पावर माइनस में वन बाई टू प्लस में फोर एक्स और प्लस फोर। देखिए, यहाँ पे एक्स टू एक्स पे पावर माइनस वन बाई टू प्लस फोर एक्स प्लस फोर। यहाँ पे पावर क्या है? निगेटिव भी है और फ्रैक्शन में है। क्या है? निगेटिव है और फ्रैक्शन में है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें तो देखो, टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में वन डिवाइडेड बाई रूट वाई प्लस एक्स स्क्वायर। तो टू डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर माइनस टू प्लस में, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वाई पे पावर माइनस में वन बाई टू और प्लस में एक्स स्क्वायर। देखिए, इस टर्म का भी पावर निगेटिव है और इस टर्म का पावर क्या है? निगेटिव भी है और फ्रैक्शन में भी है, इसलिए ये क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर हम इसकी बात कर ले तो यहाँ पे देखिए, टू डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर है तो ये टू डिवाइडेड बाई वाई पे पावर माइनस टू प्लस में वाई और प्लस टू। इसका पावर क्या हो गया? निगेटिव, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो गया? देखिए, वाई पे पावर वन बाई टू, रूट वाई को हम लिख सकते हैं ऐसे, प्लस वाई और प्लस सिक्स। यहाँ पे इसका पावर पॉजिटिव तो है, लेकिन क्या है ये? इसका पावर जो है फ्रैक्शन में, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन निकालते हैं। देखिए,
यहाँ पे पावर क्या आया, पॉजिटिव और इंटीजर, तो पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे देखिए पावर क्या है, निगेटिव, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। इंटीजर है लेकिन ये किसमें है, इंटीजर निगेटिव में, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे तो दोनों, यहाँ पे निगेटिव भी है और फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे तो दो दो रीजन है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखिए निगेटिव भी है और निगेटिव में भी है, और निगेटिव इंटीजर भी है और निगेटिव फ्रैक्शन भी है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम कंडीशन को समझते हैं कि क्या क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन कि कब पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। देखिए पावर पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, क्लियर है। पावर अगर पॉजिटिव हो और इंटीजर हो, इंटीजर कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, तब जाकर के ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जो है होगा। कब कब नहीं होगा, ये तो पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन, अगर पावर पॉजिटिव रहेगा लेकिन फ्रैक्शन में रहेगा, पॉजिटिव तो है पावर लेकिन किसमें है, फ्रैक्शन में है, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल से, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल अगर हम ले लें पावर का, तो देखिए माइनस में 1/2, सॉरी प्लस में 1/2, 3/2, प्लस में तो है, पॉजिटिव तो है लेकिन किसमें है, फ्रैक्शन में है, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। तीसरा कंडीशन का बात कर लेते हैं, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, तब जाकर के ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्लियर है। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, जैसे एग्जांपल से माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3/2, 1/4 माइनस में, तो देखिए ये सब क्या है, पावर निगेटिव है, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये कंडीशन है कब पॉलिनोमियल नहीं होने का और पॉलिनोमियल होने का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल कब होगा और पॉलिनोमियल कब नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, उसको बना करके आपको दिखाना है। 2 / x² + 2x + 4, क्लियर है। y² + y + 4, ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आप क्या करिएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल है या नहीं आपको पता चल जाएगा। y² + √6y + 4y + 6, 2 / √x² + 4x² + 4, 2 / √x² + √y / √x + y² + 6, 1 / y² + √x + 6, 1 / x² + 1 / y² + 7x + 6, 1 / x² + 2x + 6, √x + 6x + y, √x² + √x + 4, √x³ + √x² + 4। तो ये कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।